क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? नहीं हुआ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली। तो अभी आज मेरी किचन में बन रहा है दिवाली स्पेशल ब्रेकफास्ट, साबुदाना आलू टिक्की, और इधर मेरी चाय है सब। आज है मेड की छुट्टी, तो मैंने झाड़ू लगा लिया। अभी मुझे पोछा करना है, उसके बाद बाकी क्लीनिंग काम करना है, फिर मिठाई भी बनानी है। मैंने दिवाली स्पेशल मिठाई बनाई थी लेकिन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो आज मैं दोबारा बनाऊंगी, तब मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूँगी। दिवाली की साफ़ सफाई सब कुछ बहुत अच्छे से हो चुकी थी, और ये देखिए घर में लाइटिंग वगैरह भी हो गई है, पूरी डेकोरेशन हो चुकी है। चूँकि आज है दिवाली इसलिए मैं बना रही हूँ रंगोली। मैं हर साल रंगोली बनाती हूँ, तो मैं एक रंगोली बनाऊँगी पूजा घर के पास, गणेश जी के पास बनाती हूँ, जहाँ पर मैंने फ्लावर की रंगोली बनाई है, और एक मेन गेट पर। तो अभी मैंने लंच कर लिया, तो लंच के बाद मैं बनाने लगी थी रंगोली, क्योंकि हर बार शाम को थोड़ा डिले हो जाता है। कुछ ऐसा है मेरा रंगोली, तो दिस इज वन ऑफ माय रंगोली। फ्लावर की रंगोली मैंने हॉल में बनाई थी। ये हो गई पूजा की थाली बिल्कुल तैयार, ये मेरे दिए धुल चुके हैं, और यहाँ पर गुन्नू और उसके पापा पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं। अब बारी थी दिए जलाने की। वो तो उतारना ही पड़ेगा। आई डोंट सपोर्ट क्रैकर्स, मैं क्रैकर्स बर्स्ट नहीं करती दिवाली पर। यहाँ पर मैं फुलझड़ी जला रही हूँ क्योंकि गुन्नू अभी बहुत छोटा है और बच्चा है, तो उसे ये सब देख करके बहुत खुशी होती है। वैसे भी फुलझड़ी जलाने से रोशनी होती है, तो हम दिवाली पर फुलझड़ी तो जला सकते हैं। GST लगी होगी ना? लगती है GST लगी होगी, प्लेटफॉर्म फीस लगी होगी। और ये देखिए गुन्नू की खुशी, बहुत खुश था वो, रोशनी देख करके फुलझड़ी देख। और ये था मेरा आज का दिवाली लुक। मुझे अपनी ड्रेस बहुत पसंद आई थी, वाइट मुझे बहुत पसंद है, तो ओवरऑल मुझे अपना लुक बहुत अच्छा लगा था। इस बार हमने अपनी बालकनी में भी डेकोरेशन की थी, मुझे लाइट्स बहुत पसंद है, इसलिए हमने अपनी बालकनी को फुली डेकोरेट किया था, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा क्यों ना कुछ रील्स बनाई जाए, उसके बाद मैंने कुछ रील्स बनाई, उसके बाद हम लोग जो हमारे नेबर्स हैं और जो मिलने वाले हैं उनके घर गए, गिफ्ट वगैरह दिए, सभी से मिलना जुलना हुआ। दिवाली दो दिन मनाई गई थी, 31st और 1st को। हम लोगों ने 31st को सेलिब्रेट किया था, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने 31st को ही सेलिब्रेट किया था। तो 1 तारीख को हम लोगों ने प्लान किया था कि ऋषिकेश जाएंगे, बट मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी दिवाली के डेकोरेशन, उसके बाद फेस्टिवल के टाइम पर घर में इतना काम हो गया, तो हमने प्लान कैंसिल कर दिया। हम लोग रात में डिनर के लिए बाहर आ गए, तो आज हम लोग आए जो जगह है गाजियाबाद के पास में है, इसका नाम है हवा हवाई। यहाँ पर बेसिकली आपको प्लेन के अंदर डिनर सर्व किया जाता है, तो बहुत ही एक्साइटिंग था। हमने सोचा कि हम ट्राई किया जाए, क्या उसके पापा और मैंने ट्यूनिंग की थी, हम तीनों ने ही ब्लैक कपड़े पहने थे।
कि गुड्डा को म्यूज़िक से कोई मतलब नहीं, उसे बस डीजे पसंद है, उसे गानों की आवाज़ आनी चाहिए, उसे डांस करना होता है। तो यहाँ वो आ गया डीजे में। गुड्डा और रागवी में 5 साल का डिफरेंस है, लेकिन ये दोनों ऐसे लड़ते हैं जैसे कि बिल्कुल हम उम्र बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है दोनों में, लेकिन दोनों साथ में बहुत मस्ती करते हैं, इंजॉय करते हैं एक दूसरे की कंपनी। और यहाँ पर आ गई है हमारी एयर होस्टेस ऑर्डर लेने के लिए। फूड की क्वालिटी और क्वांटिटी की बात करूं तो मतलब अच्छी क्वांटिटी थी और क्वालिटी बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत टेस्टी था। और यहाँ देखिए गुड्डा को वो सीट के ऊपर ही चढ़ के बैठ गया है। गुड्डा की एनर्जी हुई है डबल और यहाँ पर उसका चल रहा है राउंड 2 डांस प्रोग्राम, तो यहाँ पर वो अपना डांस कर रहा है, इंजॉय कर रहा है। ओवरऑल कैसा था, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था, बट ये वन टाइम का था। आप बार बार यहाँ नहीं जाना प्रेफर करोगे क्योंकि क्राउड उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था और यहाँ पर गेट्स को गेमिंग जोन भी थे, तो बच्चे लोग गेम्स खेल सकते थे, इंजॉय कर सकते थे। इस तरह रहा हमारा दिवाली सेलिब्रेशन, आपका कैसा रहा कमेंट्स में जरूर बताएं। आई होप यू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू लाइक डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।